गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द थर्ड साइंस क्लास. टुडे इन चैप्टर 6 दैट इज हाउसिंग वी कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स वर्क. तो बच्चों, आज हम जो पीछे जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे और एक्सरसाइज पार्ट रह गई थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. तो उसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व और क्वेश्चन आंसर्स को राइट. ओके, चलिए. तो इसमें क्विक असाइनमेंट में बी पार्ट, क्योंकि हमने ए पार्ट कर लिया था, तो बी पार्ट जो है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर आपको जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब सही जो ठीक आपको लगता है वो वर्ड आपको भरना है. ऑप्शन आपके पास यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, कह रहा है आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा घर हमें बचाता है. प्रोटेक्ट मीन्स बचाता है. तो किस किस से बचाता है? ब्लैंक दो ब्लैंक दिए हुए इसमें. तो यहाँ पर देख सकते हैं एयर से, लाइट से, इस तरीके से आप चेक करके तब आप भर सकते हो. ठीक है, कर्टन से, हीट से, इंसेक्ट से या कोल्ड से. तो वैसे तो इंसेक्ट से बचाता है. ठीक है, हमें इंसेक्ट से बचाता है हमारा घर. अगर बाहर खुले हम सोएंगे तो मच्छर काट लेंगे, और घर में सोएंगे तो मच्छर नहीं काट सकते. तो इसमें आपका इंसेक्ट हम भरेंगे आगे, उसके लिए अलग एक फीचर होता है हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में जो दरवाज़ा होता है उसमें हम एक तार की जाली लगा देते हैं जिससे मच्छर अंदर नहीं आ पाते. ठीक है, तो यहाँ पर तो हम हीट और कोल्ड ही भरेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक दे रखा है पहले ही, ऑन द विंडो कीप डस्ट अवे. विंडोज़ पर हम लगाते हैं जिस जो कि डस्ट को दूर रखता है, डस्ट को दूर करता है, डस्ट को अंदर नहीं आने देता. तो वो क्या है? वो है हमारे पर्दे, कर्टन्स. ओपन स्पेस इन ए हाउस, जो घर में खुली जगह होती है, अलाउ, अलाउ मीन्स करने देती है. किसको अलाउ करती है? एयर को और लाइट को अलाउ करती है. ठीक है, क्योंकि खुली जगह होगी तो उसमें से, खुली जगह में से आराम से हवा आएगी और रोशनी भी आएगी. नेक्स्ट, वायर मैस ऑन डोर्स एंड विंडोज़ कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम हाउस. वायर मैस होता है तार की जाली. आपकी डोर्स पर आपने देखा होगा, कुछ घरों पर या आपके घर में भी हो सकता है, दरवाज़ों पर एक तार की जाली लगा रखी हो, या विंडोज़ में तो अक्सर लगाते ही हम, क्योंकि दरवाजे तो हम बंद करके सोते हैं लेकिन खिड़कियां बंद करके नहीं सो सकते. इसमें हवा के आने जाने के लिए एक जाली लगा देते हैं ताकि हवा आती रहे लेकिन मच्छर अंदर ना आए. तो ये उन इंसेक्ट्स के लिए होता है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे मक्खी हो, या और कोई भी अलग तरह का कोई और मच्छर हो, उसको कीप अवे फ्रॉम द हाउस, घर से दूर रखने के लिए ये वायर मैस का यूज़ करते हैं डोर्स पर और विंडोज़ पर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब बात करते हैं हम मैच द कॉलम. मैच द कॉलम में आपको ए कॉलम है, ये वाला ए कॉलम है और ये बी कॉलम है. इसमें पिक्चर दी हुई है आपके हेल्प के लिए, इनको आप मैच करेंगे. तो देखिए, पहला है आर्कटिक पीपल. आर्कटिक मतलब होता है जो ध्रुव होते हैं या पोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पीपल, लोग जो ध्रुव पर रहते हैं या जो बर्फीली जगहों पर रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो होती है ज़्यादातर ध्रुवों पे होती है. जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है उन पर ही बर्फ़ ज़्यादा मिलती है, तो उन लोगों को हम बोलेंगे आर्कटिक पीपल. तो ऐसे लोग कहाँ कैसा घर बनाएंगे? यहाँ पर घर के जो टाइप हैं हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर केवल बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ से ही वो घर बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ हम मैच करेंगे सी से. और आपको पता भी होगा ये घर क्या हो, इसका क्या नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इग्लू. नेक्स्ट, नोमेड्स. नोमेड्स क्या होते हैं? जो घुमक्कड़ होते हैं,
जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, तो उनको हम नोमेड्स कहते हैं। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार घर चाहिए, तुमने पढ़े थे, ऐसे घर होने चाहिए जो तुरंत ही वो फोल्ड कर सकें और कहीं पर भी जहाँ पर वो जाते हैं बस अपने साथ उस घर को ले जा सकें। तो ऐसे घर तो टेंट और कारवा ही हैं। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर टेंट का दे रखा है, तो इसको हम डी से मैच करेंगे। नेक्स्ट, सिटीज़, शहरों में किस प्रकार का घर होता है आपको पता है? वहाँ पर होते हैं सीमेंट, लोहे और दूसरे और जो ब्रिक्स वगैरह से बने हुए ऐसे घर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट से मैच करेंगे, ये बंगलो टाइप या फ्लैट टाइप के घर होते हैं। नेक्स्ट है रेनी सीज़न, रेनी एरिया में कैसा घर होगा? तो वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये घर जो है स्टिल्ट पर बना हुआ है, पिलर्स पर बना हुआ है, ताकि बारिश के अंदर ये ख़राब ना हो, ठीक है। और लास्ट हमारा है विलेज पीपल, गांव के जो लोग होते हैं, तो गांव के लोगों को पास ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है, तो उस जगह पर लोग अक्सर हल्के और कम खर्चे पर ही अपने घर बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम मैच करेंगे हट, यहाँ पर एक झोपड़ी है। तो यहाँ पर मैच करेंगे हट से झोपड़ी से। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं ये पिक्चर, सी द फॉलोइंग पिक्चर, ये रोहन के घर की पिक्चर है, ठीक है। ये रोहन का घर है। मार्क एटलीस्ट 5 ओड थिंग्स, ओड थिंग्स मतलब अजीब वस्तुएं जो उन कमरों में नहीं होनी चाहिए, घर में नहीं होनी चाहिए उस जगह पर। थिंग्स इन दिस हाउस, इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस घर में नहीं होनी चाहिए थी उस कमरे के अंदर खासकर। तो वो कौन कौन चीज़ें हैं? तो नंबर वन हमने कहा है सिलेंडर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या, कौन सा रूम है? ये जो रूम है ये बेडरूम है। तो बेडरूम में सिलेंडर का कोई काम नहीं होता, सिलेंडर काम होता है किचन के अंदर, तो यहाँ होना चाहिए था। तो ये एक हमने सर्कल लगा दिया इसको और नंबर वन डाल दिया। नंबर टू प्रेशर कुकर, नंबर टू जो दे रखा है यहाँ पर ये बेड के ऊपर रखा हुआ है प्रेशर कुकर, इसका भी काम बेडरूम में नहीं है, इसका काम भी रसोई घर में है, तो यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए ये भी आउट हो गया। इसको भी हमने सर्कल कर दिया और टू नंबर डाल दिया। ऐसे ही थ्री नंबर है सोफ़ा, यहाँ पर देखिए रूम कौन सा है, पहचानिए इस रूम को, ये है बाथरूम। तो बाथरूम में सोफ़ा का कोई काम नहीं है, तो ये हम सर्कल किया इसको और थ्री नंबर डाल दिया। नेक्स्ट है बनाना पील, यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिविंग रूम है और इस तरह का जो वेस्ट है, कचरा है, बनाना पील, केले का छिलका, वो डस्टबिन में होना चाहिए, यहाँ इस डस्टबिन में होना चाहिए था, लेकिन ये लिविंग रूम में टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये गलत है। तो इस पर आप सर्कल करेंगे और फोन नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट, टॉयलेट सीट या टॉयलेट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लिविंग रूम है उसमें टॉयलेट सीट का कोई काम नहीं है, इसको बाथरूम में होना चाहिए था, ठीक है। तो इस पर भी आप सर्कल कर देंगे और फाइव नंबर डाल देंगे। और लास्ट हमारा है ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल जिसको हम मेकअप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो ये होनी चाहिए थी हमारे बाथरूम बेडरूम में, बेडरूम में हो सकती थी। तो यहाँ पर ये गलत है, रसोई घर में इसको रखा हुआ है, तो इसको हम सर्कल करेंगे और सिक्स नंबर डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये जो आंसर द फॉलोइंग हम लिख रहे हैं, ये आपको केवल बताने के लिए लिखा जा रहा है कि ये आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, और उसके बाद अलग कैटेगरी शुरू हो जाएगी होट्स की। तो इस लाइन को आप नहीं लिखेंगे, जो हमने तीन क्वेश्चन लिखे हैं पहले, उन्हीं के नीचे आप कंटिन्यू करेंगे इसको
और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। और जैसे अब हेडिंग चेंज होगी, हॉट्स क्वेश्चन शुरू होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, तो उसमें आप हेडिंग डालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, व्हाई शुड द थिंग्स इन द हाउस बी डस्टेड रेगुलरली। घर के अंदर व्हाई, क्यों, शुड द थिंग्स, चीज़ों को चाहिए, इन द हाउस, घर के अंदर, डस्टेड, झाड़ना, रेगुलरली, नियमित रूप से वस्तुओं को, चीज़ों को झाड़ना घर में क्यों आवश्यक है या क्यों उनको झाड़ना चाहिए। तो आपको पता है क्यों झाड़ना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी जो है उसको हटाने के लिए। द थिंग्स इन द हाउस शुड बी डस्टेड रेगुलरली, यहाँ तक तो क्वेश्चन से उतारेंगे आप। यहाँ से द थिंग्स शुड के बाद जो द थिंग्स लिखा हुआ है, इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे और रेगुलरली तक आप लिखेंगे। फिर किस काम के लिए, टू रिमूव डस्ट, डस्ट को दूर करने के लिए, डस्ट को हटाने के लिए। दैट कम्स इन विद द एयर, हवा के साथ जो आ जाती है धूल मिट्टी, उसको रिमूव करने के लिए हमें हर रोज़ चीज़ों को झाड़ना चाहिए ताकि वो धूल मिट्टी दूर हो जाए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल या हॉट्स क्वेश्चन, तो ये हेडिंग आप डालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसके क्वेश्चंस का मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ये क्वेश्चंस होते हैं हमारी थिंकिंग स्किल या सोचने की जो ताकत है उस पर बेस्ड होते हैं, कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है, ये जो चैप्टर पढ़ा है, इसमें कोई भी एक टॉपिक पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको सोच करके जवाब देने पर मजबूर करते हों। जैसे ये कह रहा है कि आर द कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग, क्या कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कच्चा हाउस जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, घास फूस तिनके और मिट्टी से बनते हैं। तो ऐसे घर जो हैं वो पक्के नहीं कह सकते, उनको हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, ठीक है, वो इतनी ताकत नहीं होती उनके अंदर कि वो ज़्यादा जोर का धक्का या ऐसा चीज़ें, तूफान वगैरह या आंधी, इसको सहन कर सकें। तो आपको आगे बोला गया है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर आप यस कहते हो तो यस का आंसर बताना है, क्यों आपने यस क्यों दिया जवाब इसका, और नो कहते हो तो नो का भी जवाब देना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका आंसर यस नो में, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। द कच्चा हाउस आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये तो हो गई पहले क्वेश्चन की आंसर की कंप्लीट सेंस, कि नहीं, कच्चा घर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब हम बताएंगे क्यों ये कच्चा हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बने होते हैं, किससे बने होते हैं, अब हम बता देंगे, मड मिट्टी से, वुड लकड़ी से, स्ट्रॉ घास फूस से, ठीक है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। चलिए समझिए इसको, तो व्हाई डू पीपल ऑफ रेनी एरिया लिव इन हाउस मेड ऑन स्टिल्ट। क्यों डू पीपल लोग ऑफ रेनी एरिया, बारिश वाली जो जगह हैं उनमें रहते हैं, लिव इन हाउसेस, उन घरों में, मेड ऑन स्टिल्ट, स्टिल्ट बोलते हैं पिलर्स को, जो खंभे होते हैं उनको स्टिल्ट बोलते हैं, तो स्टिल्ट्स पर बने हुए घरों में क्यों रहते हैं, खंभों पर बने हुए घरों में क्यों रहते हैं रेनी एरिया के लोग, बारिश के इलाके वाले लोग, पिलर वाले घरों पर, पिलर पर बने हुए घरों पर में क्यों रहते हैं। तो आप समझ सकते हो, पीपल ऑफ रेनी एरिया लिव इन हाउस मेड ऑन स्टिल्ट, स्टिल्ट पर बने हुए हाउस में रहते हैं, ये तो हम ले लेंगे यहाँ से क्वेश्चन से, पीपल ऑफ रेनी एरिया लिव इन हाउस मेड ऑन स्टिल्ट्स,
ठीक है। अब आगे बताएंगे, सो दैट, इसलिए रहते हैं ताकि वाटर डू नॉट एंटर इन द हाउस, क्योंकि पानी घर के अंदर ना घुस जाए, क्योंकि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ज़मीन पर पानी पानी रहता है, तो घर अगर ज़मीन पर बना दिया तो उसमें पानी घुस जाएगा, और अगर हमने थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया है थोड़ा पिलर्स की हेल्प से तो उसमें पानी नहीं घुसेगा। तो ये कारण है स्टिल्ट्स पर घर बनाने का, या उन लोगों के ऐसे घरों में रहने का जो स्टिल्ट पर बने हुए हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में साफ राइटिंग में लिखने हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो टेस्ट है उसमें बच्चे कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और राइटिंग जो है वो भी काफ़ी थोड़ी बिगड़ गई है, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और अपनी राइटिंग को सुधारें। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।